we are going to explain superposition principle of electric field intensity. Electric intensity at a point due to a group of charges is in this way varying x, x, y, and diagram parameter. अब यहाँ पर एक वोल्टेज है यू यू नोट एंड इलेक्ट्रिक यहाँ यू वन है यू टू है यू थ्री है. अब ये सारे किसी पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं. मान लो यू वन यू थ्री यू फोर यू एन ये भाई बहुत सारे इस पॉइंट पर मुझे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है. तो हम क्या करेंगे, इसने कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया, इसने कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया, इसने कितना इलेक्ट्रिक सबके सब इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस करते हैं सभी कंडक्टर सब. राइट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट जो ग्रुप ऑफ चार्जेस और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. The electric field according to this law, the electric field intensity at a point due to a group of charges is vector sum of electric field intensity produced by individual charges. सभी चार्ज में electric field intensity सभी के field को vector sum. It is written as E vectors, E1 vectors plus E2 vectors plus E3 vectors and so on EN vectors. But we know that E equal to 1 by 2 by epsilon 0 2 by r square. Similarly, E equal to 1 by 4 by epsilon 0. First के कारण E 1 by r 1 square. ये r 1 cap लगा दिया हमने. 1 by 4 by epsilon 2 2 by r 2 square. r 2 आपने cap लगा दिया यहाँ पर. And so on 1 by 4 by epsilon 0 2 n by r n square. r n का cap. इसी वेक्टर से. अब इसमें से क्या देखते बेटा, देखने में आपको लंबे चौड़े डेरिवेशन का शॉर्ट में निकाल दी. वन बाय फोर बाय एप्सिलॉन नॉट इज कॉमन बाहर कर दी. क्यू वन बाय आर वन से लेके क्यू एन बाय आर एन हम इसको आई लिख देते हैं. इनिशियल स्टार्टिंग आंसर इसको करते समेशन समेशन ऑफ क्यू आई बाय आर आई इसका. और यहाँ आई का टू वन से लेकर आई का टू एन क्योंकि हमारे पास फोर क्वांटिटी है एन का. आप यहाँ आई वन नहीं लिख के जरूरी इसलिए होता है आपको स्टार्टिंग कहाँ से की और इस हिसाब से क्यू आई का आर आई स्क्वायर में जो आ रहा है क्या. ओके नेक्स्ट इसी में टॉपिक्स आपके हेडलाइंस